और आगे फिर फरमाया कि जब तुम व इज़ा कुरी अल कुरआन फस्तमिउ लहू वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो, खामोशी के साथ सुनो ताकि तुम पर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान मजीद के आदाब में से एक अदब यह है कि कुरान मजीद जब पढ़ा जा रहा हो तो उसको खामोशी के साथ सुनना चाहिए और तवज्जो के साथ सुनना चाहिए ताकि उन पर रहम किया जाए। एक तो हमें इससे ये भी पता चला कि कुरान को सुनने से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, उस आदमी पर रहमत नाजिल होती है जो कुरान को सुनता है। हमारी देखें ये छोटा सा एक प्रोग्राम जो होता है, इसमें भी हमें इस यकीन के साथ बैठना चाहिए जैसा कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान को सुनो खामोशी के साथ ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो हमारा ये ईमान और यकीन होना चाहिए कि हम पर रहम हो रहा है, इस वक्त अल्लाह की रहमतें हम पर नाजिल हो रही हैं। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे या सिखाए। तो आप हजरात जो बैठे हुए हैं तो कुरान को सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो सीख रहे हैं, तो हमें इस बात का भी हमारे दिल के अंदर यकीन होना चाहिए कि इस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हम बेहतरीन इंसानों की लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कुरान को सीखे या सिखाए वो बेहतरीन इंसान है। तो ये यकीन भी हमारे दिल में होना चाहिए रोज़ाना आप बैठें। एक तो ये कि हम पर अल्लाह की नेमतें नाजिल हो रही हैं, दूसरा इस वक्त हम दुनिया के बेहतरीन इंसानों में हमारा शुमार होता है, और तीसरी बात ये भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलम का एक बाब सीखना हज़ार रकात नमाज नफल पढ़ने से अफजल है। एक आदमी हज़ार रकात नफल पढ़े, हज़ार रकात नफल पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, शायद दो दिन तीन दिन लग जाएँ। तो हज़ार रकात नमाज नफल पढ़े एक आदमी, और दूसरा आदमी इलम का एक बाब सीखे, और इलम का बाब सीखने में पाँच मिनट भी लग सकते हैं, दस मिनट भी लग सकते हैं, और एक मिनट भी लग सकता है। इलम का बाब जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। तो जिस आदमी ने इलम का एक बाब सीखा, चाहे वो एक मिनट लगा उसको, पाँच मिनट लगे, वो उस आदमी से बेहतर है, या उस आदमी से उसको ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा जो एक हज़ार रकात नफल पढ़ेगा। तो कितनी बड़ी फजीलत है कि ये जो हम 35-40 मिनट बैठते हैं, तो इस 35-40 मिनट में हम एक बाब नहीं, इलम के कई बाब सीखते हैं, पाँच बाब, दस बाब। अगर पाँच बाब हमारे सामने आए तो हमें ये यकीन होना चाहिए हमारा दिल के अंदर कि हमें 5000 रकात नफल पढ़ने का सवाब मिल गया। जिस दिन हम 10 इलम के बाब सीखते हैं तो हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि आज हमें 10000 नफल पढ़ने से भी ज़्यादा सवाब मिल गया। तो ये तीन यकीन और सवाब जो है ना, ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। अल्लाह का रहम हम पर होता है, हम दुनिया के बेहतरीन इंसान की लिस्ट में शामिल हैं, और हमें हज़ारों रकात नफल पढ़ने से भी ज़्यादा का अजर सवाब मिलता है यहाँ पर बैठ कर। ठीक है।